वेलकम प्रैक्टिस सेट 10 सिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 10 आई हैड अपलोडेड दिस प्रैक्टिस सेट यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट उसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया था वर्ड प्रॉब्लम बाकी थे लेट अस सी द वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है फ्रैक्शन के अंदर कैसे एडिशन सबट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं लेट अस बिगिन सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टूगेदर पूरा मिला के दोनों ने कितना शुगर बाय किया है If the cost of sugar is 32 per kg, how much did they spend on the sugar? तो फर्स्ट केस में हमें पहले दोनों ने मिलके कितना शुगर परचेज किया है ये देखना है इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन को हमें ऐड करना होगा सुयश ने जो परचेज किया है बॉट किया है वो प्लस आशीष ने जो बॉट किया है खरीदा है वो दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमें जो भी आंसर आएगा उसको हमें 32 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसका कॉस्ट मिल जाएगा तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है पहले तो हमें इसे एडिशन करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट केस में हमें इसे मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट निकालना है तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व लेट अस बिगिन दिस फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 10 तो सबसे पहले स्टेप लिख लेना है सुयश बॉट शुगर श्रेयस ने कितना शुगर लिया है 2.5 kg और आशीष बॉट शुगर 3.5 kg तो शुगर परचेज ऑल टुगेदर मतलब दोनों को ऐड करना है हमें तो श्रेयस का शुगर और आशीष का शुगर दोनों का ऐड करना है और दोनों का ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हाउ मच शुगर दे बॉट ऑल टुगेदर पूरा मिला के कितना खरीदा है दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन पहले हमें दोनों का ऐड करके उनका जो टोटल परचेस है वो बताना है तो लेट अस बिगिन हाउ टू सॉल्व तो ये मैंने ऐड करना है ऐसे नंबर वन हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जैसे हम करते हैं 2 × 2 और ये प्लस 1 2 × 2 + 1 द होल अपॉन 2 ऐसे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 1 द होल अपॉन 2 प्लस 3 × 2 + 1 द होल अपॉन 2 ऐसे तो ये हो गया मैंने इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको कन्वर्ट करना है पहले ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टू टू द 4 + 1 = 5 तो ये होगा 5/2 प्लस 2 × 3 = 6 + 1 = 7 तो ये हो जाएगा 7/2 इन दिस वे वी हैव टू डू 7/2 अब दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है होगा तो हम ऐड कर सकते हैं कॉमन लेकर तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे बाजू में स्टेप लिख रहा हूँ 5 + 7/2 यहाँ पे 2 और 2 कॉमन ले लिया ऊपर 5 + 7 ऐसे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही हम ऐड कर सकते हैं ऐसे ऐड कर लेना है डिनोमिनेटर को कॉमन लेना है और ऊपर के नंबर को ऐड करना है 5 + 7 अब 5 + 7 12 होता है तो 12 upon 2 अब ये दोनों नंबर जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं तो 2 के टेबल से कैंसिलेशन भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं 2 × 1 = 2 × 2 = 6 = 12 आंसर आ रहा है 6/1 मतलब 6 ऐसे तो आवर आंसर इज 6 kg तो दोनों का जो टोटल आया है जैसे दोनों का जो टोटल हो रहा है वो 6 kg है इन दिस वे वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अगर तुमको ये नहीं आता है तो यू शुड वॉच द वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेट 10 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट यू विल गेट इट हाउ टू डू द एडिशन अब हमने ये वाले वीडियो में आई एम सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम सो यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हमें आंसर मिल गया है 6 kg सो देयरफॉर शुगर बॉट
bought all together is equal to 6 kg. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने ये ढूंढ लिया है, ये हमें पूछा था. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है हाउ मच दे स्पेंट, कितना पैसा दोनों ने खर्च किया. तो हमें शुगर का प्राइस दिया हुआ है, तो वो लिख लेना है कॉस्ट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ शुगर इज इक्वल टू कॉस्ट, हमें दिया है क्वेश्चन में 32 रुपीस. ऐसे तो हमें कॉस्ट 32 रुपीस दिया है, तो हम 6 kg का 32 रुपीस, मतलब हमें इसको कैलकुलेट करना है. तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई बाय 6. ऐसे बहुत इजी है. हमको शुगर पूरा कितना मिला है, 6 kg उन लोग ने खरीदा है, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ शुगर इज 32, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 kg कितना होगा, 1 kg का 32 रुपया है, तो 6 kg का कितना होगा, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 6. मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों को वर्किंग में, साइड में. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 192. अगर ऐसे वर्किंग नोट में साइड में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता है. 6 × 2 = 12, 2 × 1 = 6, 3 = 18 + 1 = 19, तो 192. यहाँ पे आ रहा है आंसर 192 रुपीस. ऐसे तो ये हमारा आंसर था, 6 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 192 रुपीस. तो यहाँ पे हमें यही पूछा था क्वेश्चन में कि पूरा मिला कि कितना पैसा खर्च हुआ है, तो 192 रुपीस खर्च हुआ है. तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट, तो यहाँ पे हमें पूछा था क्वेश्चन कि हाउ मच डिड दे स्पेंड, तो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस दे स्पेंड ऑन शुगर इज इक्वल टू 192 रुपीस. ऐसे हमें इसका फाइनल आंसर लिखना है. स्टेप यू कैन चेंज इट, यू कैन राइट बाय योर ओन. तो स्टेप हमें इजी से इजी बनाना है, बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है वर्किंग कैसे करना है. शोन यू फ्रॉम द बिगनिंग, तो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, योर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का. सबसे पहले श्रेयस बॉट 2.5 kg, आशीष बॉट 3.5 kg. टोटल शुगर दोनों का ऐड करना है, तो हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करना है. पहले ये मिक्स फ्रैक्शन था, तो इसे कन्वर्ट कर लेना है. 2 × 2 + 1 / 2, 3 × 2 + 1 / 2. अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है 5 / 2 = 7 / 2. 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 5 + 7, तो 5 + 7 कर लेंगे, तो 5 + 7 = 12 होता है, तो 12 / 2 आ जाएगा. इसका आंसर 12 / 2. कैंसिलेशन 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12. अगर हमें कैंसिलेशन नहीं आता है, तो हम साइड में वर्किंग में डिवाइड भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, 2 × 6 = 12. ऐसे तो 6 आंसर आएगा, तो ये आंसर 6 आया, तो 6 kg आवर आंसर. तो दोनों का जो टोटल शुगर है वो 6 kg है. अब कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ शुगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 रुपीस का है 1 kg, तो 6 kg कितने का रहेगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 32 × 6. मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर. तो देयरफॉर फाइनल आंसर टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस स्पेंड ऑन शुगर पूरा मिला के दोनों ने कितना पैसा खर्च किया इज इक्वल टू 192 रुपीस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट अस सी अवर सेकेंड क्वेश्चन. तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है. अवर सेकेंड क्वेश्चन इज आराधना ग्रो पोटैटोज इन 2/5 part ऑफ अ गार्डन. तो पोटैटो ग्रो किया है 2/5 part में गार्डन के, और ग्रीन्स मतलब वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं. 1/3 part पे ग्रीन वेजिटेबल ग्रो किया है,
एंड ब्रिंजॉल इन द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी के हिस्से पे ब्रिंजॉल ग्रो किया है. ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजॉल, तो हमें ये पूछा है यहाँ पे कि कितने पार्ट पे ब्रिंजॉल जो है वो ग्रो किया है. तो सबसे पहले आराधना ने पोटैटो ग्रो किया है टू एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ हर गार्डन. ग्रीन्स 1/3 पार्ट ग्रो किया है ग्रीन्स. तो हमें इससे ही स्टेप बनाना है. स्टेप से हमें जैसे पोटैटोस पार्ट ऑफ पोटैटोस मतलब पोटैटोस ग्रोन इन गार्डन इज इक्वल टू 2/5 पार्ट. ग्रीन जितना लगा है, ग्रीन मतलब वेजिटेबल जो भी है, ग्रीन ग्रोन ऑन द 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजॉल इन द रिमेनिंग पार्ट. तो हमें ब्रिंजॉल जो है वो ढूंढना होगा रिमेनिंग पार्ट में से. तो नंबर वन सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो वी विल गेट दिस टू एडिशन. फिर जो आंसर मिलेगा उसको हम सबरैक कर लेंगे 1 से, क्योंकि 1 गार्डन है. फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमें ब्रिंजॉल मिल जाएगा. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट लेट अस बिगिन एंड सॉल्व हाउ टू सॉल्व. लेट अस सी, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. हाउ टू राइट द स्टेप पोटैटोस प्लांटेड इन गार्डन 2/5 पार्ट, ग्रीन्स प्लांटेड इन गार्डन 1/3 पार्ट. एज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन मेक योर स्टेप्स. क्वेश्चन में देख के स्टेप बनाना है. फिर दोनों का क्योंकि हमें टोटल निकालना होगा, तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन प्लांटेड विद पोटैटोस एंड ग्रीन्स. तो फर्स्ट स्टेप में हमें दोनों का टोटल निकालना है. तो दोनों का टोटल मतलब 2/5 प्लस 1/3. तो पहले हमें दोनों का टोटल करना है. तो 2/5 प्लस 1/3 ऐसे. नाउ हमें इसका टोटल करना है. तो कैसे, बहुत इजी है. दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम इसे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है. तो 3 को यहाँ पर 2 बार ला के मल्टीप्लाई करना है और 5 को यहाँ पर 2 बार रख के मल्टीप्लाई करना है. इसको ऐड करना है. तो 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए. डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए वी हैव टू डू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 को यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई करना है प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6, 5 3s are 15 प्लस 1 5s are 5, 3 5s are 15. ऐसे किया, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे देख सकते हैं और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है लाकर. दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया. प्लस एज इट इज प्लस लिखना है. अब दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन हो चुका है, तो अब हम डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन ले लेंगे 15, ऊपर 6 प्लस 5 तो 6 प्लस 5 ऐसे. 6 प्लस 5 हमें करना है. 6 प्लस 5 11 होता है. तो 11 अपॉन, नीचे 15 था 15 रहेगा. तो ऐसे हमें आंसर मिला है 11/15. तो सबसे पहले हमें दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेना है. तो 11/15 मतलब जो टोटल एरिया है गार्डन का उसमें से 11/15 जो है अब प्लांटेड हो चुका है, जिसपे हमने पोटैटोस और ग्रीन्स प्लांट किए हैं. अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है. नंबर वन थिंग, क्वेश्चन अगर हम रीड करेंगे प्रॉपरली तो हमें पूछा है कि कितने पार्ट पे ब्रिंजॉल प्लांट किया है, ये ढूंढना है. तो कितना एरिया जो है, हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजॉल. तो हमें ढूंढना है शी प्लांटेड ब्रिंजॉल इज इक्वल टू, ये हमें ढूंढना है शी प्लांटेड ब्रिंजॉल कितने पार्ट पे. तो बहुत इजी है. जैसे गार्डन होता है तो एक गार्डन है, 1 गार्डन है, तो हमें 1 गार्डन में से माइनस 11/15 करना होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये प्लांटेड हो चुका है. 11/15 पार्ट जो है 1 में से प्लांटेड हो गया है, तो हमें रिमेनिंग मिल जाएगा.
इन दिस वे शी प्लांटेड ब्रिंजॉल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वहां पे ये आएगा उसका जो क्वेश्चन मार्क है मतलब हाउ मच, तो इसका आंसर मिलेगा 1 माइनस 11 अपॉन 15। तो जैसे हमें इसको सबट्रैक्ट करना होगा, 1 से 1 मतलब अ गार्डन, गार्डन ये पूरा गार्डन का एरिया इज इक्वल टू 1, उसमें से 11 अपॉन 15 पार्ट जो है वो प्लांटेड हो चुका है, तो बचा हुआ एरिया जो है वो ब्रिंजॉल प्लांट हुआ है, तो हमें रिमेनिंग एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया लेफ्ट, रिमेनिंग एरिया लेफ्ट। तो हम कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग एरिया लेफ्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 11 अपॉन 15 जो प्लांटेड हो चुका है। अब हमें इसे कैसे सबट्रैक्ट करना है, 1 मतलब होता है 1 अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 11 अपॉन 15 ऐसे है, क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 1 है ऐसे। अब हमें डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें ये 15 यहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों 15 15 सेम हो जाएगा और हम इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 15 मैंने यहाँ पे दोनों के पास मल्टीप्लाई किया, -11 अपॉन 15 ऐसे। अब 1 15 15 और 1 15 15 -11 अपॉन 15, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, स्टेप एक एक के बाद स्टेप है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है 15, तो अब हम कॉमन ले लेंगे 15, ऊपर 15 माइनस 11 हमें करना है, 15 माइनस 11 वी विल गेट 4, तो 4 अपॉन 15, तो 4 अपॉन 15 पार्ट जो है वो रिमेनिंग है जिसपे हमने ब्रिंजॉल प्लांट किया है। तो बहुत इजी और सिंपल, वी गॉट द आंसर। तो अब फाइनल आंसर में हमें लिखना है देयरफॉर आराधना प्लांटेड ब्रिंजॉल ऑन 4 अपॉन 15 पार्ट ऑफ गार्डन, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व 4 अपॉन 15 पार्ट ऑफ गार्डन, आराधना प्लांटेड ब्रिंजॉल ऑन 4 अपॉन 15 पार्ट ऑफ गार्डन, इन दिस वे वी गॉट द आंसर। बहुत इजी और सिंपल है, पहले हमें पोटैटोस और ग्रीन का एरिया ऐड कर लेना है, उसके बाद हमें जो टोटल मिलेगा उसमें वो जो गार्डन का एरिया है टोटल 1, उसमें से हमें जो प्लांटेड एरिया वो माइनस कर देना है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा जिसपे ब्रिंजॉल प्लांट हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। Now our third question, Sandeep filled water in tank 4 upon 5th part of empty tank. After that, Ramakant filled 1 upon 4th part more of the same tank. Then Umesh used 3 upon 14th part of the tank of water. If the tank has a maximum capacity of 560 liter, how much liter of water will be left in a tank? तो जैसे दो जन ने पहले पानी भरा है टैंक के अंदर, संदीप ने और रमाकांत ने, तो पहले हम ये दोनों का टोटल कर लेंगे कि कितना पानी दोनों ने मिलके भरा है, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ बोथ ऑफ देम फिल द टैंक, फिर उसके बाद जो आंसर मिलेगा हम आगे आई विल शो यू हाउ टू डू, फिर उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसको हम उमेश ने जो पानी यूज किया है उससे सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो आंसर होगा उससे हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट द आंसर, फिर जो आंसर मिलेगा वो पानी यूज हुआ होगा, मतलब जितना जैसे उमेश ने 3 अपॉन 14 पार्ट उसमें से यूज किया है, तो बचा हुआ पानी वो टैंक में कितना है वो हमें पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन अ टैंक, तो टैंक में कितना लीटर पानी बचा हुआ रहेगा, लीटर पूछा है हमें, तो हमें पार्ट पहले तो हमें रिमेनिंग पार्ट ढूंढना होगा कि पानी कितना बचा है टैंक में, फिर उसके बाद हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वी विल गेट द आंसर। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले दोनों को ऐड करना है,
संदीप फील्ड वाटर और रमाकांत फील्ड दोनों का पहले स्टेप लिख लेते हैं। यू कैन सी द स्टेप ओवर हियर, संदीप फील्ड वाटर इज इक्वल टू 4/7 पार्ट, रमाकांत फील्ड वाटर इज इक्वल टू 1/4 पार्ट। तो दोनों ने इतना पानी भरा है तो टोटल पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड दोनों मिला के कितना पानी हो गया है, तो टैंक पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड ऑल टुगेदर इज इक्वल टू पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 4/7 + 1/4। ऐसे दोनों को ऐड कर लेना है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। लेट अस सी, बहुत इजी है। जैसे हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 4 के टेबल में 7 नहीं जाता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करना है और 7 को यहाँ पर लाकर। 4/7 × 4 × 4 + 1/4, ये 7 यहाँ पे आएगा, × 7 × 7 इन दिस वे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4/4 = 16, 7/4 = 28 प्लस 1/7 = 7, 4/7 = 28। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 28 आ जाएगा, ऊपर 16 + 7। ऐसे ऐसे हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 16 + 7 कितना होता है, टोटल मारना है, 16 + 7 = 23 होता है, तो 23/28 इन दिस वे। तो ऐसे हमने दोनों का जो कॉमन था 28 वो लिया, 16 + 7 = 23, 23/28। ये जो है पार्ट ऑफ टैंक जो है, इतना पानी टैंक में भर गया है, मतलब हमने इतना पानी टैंक में भरा है, तो ये टोटल वाटर इन टैंक है। नाउ सेकंड पार्ट में हमें बोला है उमेश ने जो पानी यूज किया है, तो वाटर यूज बाय उमेश करके हमें हम स्टेप लिखेंगे। वाटर यूज्ड बाय उमेश इज इक्वल टू, पानी उमेश ने कितना निकाला है टैंक से, 3/14 पार्ट इसमें से उमेश ने यूज किया है पानी, तो अब टैंक में कितना पानी बचा होगा, तो देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन टैंक इज इक्वल टू, कितना पानी बचा होगा वो देखना है। पानी इतना भरा हुआ था 23/28, उसमें से माइनस करेंगे 3/14 पार्ट उमेश ने यूज कर लिया है, तो माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो वाटर लेफ्ट इन अ टैंक होगा, मतलब कितना पानी टैंक में बचा हुआ है। तो दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, लेट अस सी हाउ टू सबट्रैक्ट। 23/28 − 3/14 दोनों को माइनस कर लेना है। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी छोटा नंबर है 14 के टेबल में 28 जाता है, 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यही साइड को चेंज करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस, तो 14 × 2 = करेंगे हम, क्योंकि 14 × 2 = 28 हो जाता है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 23/28 − 2 × 3 = 6, 14 × 2 = 28। यहाँ पे देख सकते हैं 28 कॉमन मिल रहा है, तो 28 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 23 − 6 करना है, 23 − 6 करेंगे हम तो यू विल गेट 17, तो 17/28, 17/28 पार्ट ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ टैंक, मतलब इतना पानी टैंक में बचा हुआ है अभी भी। तो आई होप यू गेटिंग इट, तो हमने ये ढूंढ लिया है कि कितना पानी टैंक में बचा हुआ है। तो अब वाटर नेक्स्ट स्टेप में वाटर लेफ्ट
इन टैंक इज इक्वल टू 17 अपॉन 28 पार्ट। अब ये हमें पार्ट्स में दिया हुआ है, इसको हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को, जैसे किसी भी फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें देखना होगा कि वो जो टैंक की कैपेसिटी, पानी की जो टोटल कैपेसिटी है, वो हमें लीटर्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, इफ अ टैंक हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन अ टैंक। अगर टैंक की कैपेसिटी 560 लीटर है तो कितना पानी टैंक में बचा होगा, ये हमें ढूंढना है। एक और स्टेप लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 560 लीटर्स। बहुत इजी है, वाटर लेफ्ट इन अ टैंक 17 अपॉन 28 पार्ट पानी है, टैंक की पूरी कैपेसिटी 516 है, देयरफॉर 17 अपॉन 28 पार्ट ऑफ 560 लीटर्स। ये जो है पार्ट जो है, ये वाटर है, ये टोटल कैपेसिटी है टैंक की। तो अब बहुत इजी है, 17 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 560, ऐसे हमें करना होगा। अब हमें कैंसलेशन करना है, कौन से टेबल से ये नंबर जाता है। अगर हमें कैंसलेशन नहीं आता है तो यू कैन डिवाइड इट, या दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या 28 के टेबल से हम इसको कैंसलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 28 के टेबल में, मतलब 28 टू जा देखते हैं, 28 जा 16, 6 1, 2 टू जा 4, प्लस 1 5, तो 56 आ रहा है। तो हम कर सकते हैं 28 1 जा 28, 28 टू जा 56 और 28 0 जा 0, ऐसे। अगर हमें ऐसे कैंसलेशन नहीं आता है, 28 के टेबल से दोनों को कट किया, तो हम ये दोनों को डिवाइड भी करके देख सकते हैं, यू गेट द सेम आंसर 20। 17 मल्टीप्लाई बाय 20, 17 मल्टीप्लाई बाय 20 हमें करना है यहाँ साइड में वर्किंग नोट में, 07 जा 0, 01 जा 0, इधर क्रॉस, 27 जा 14, 41, 2 टू जा 4, प्लस 1 5, 045। तो यहाँ पे तो कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा एक बार हमें मल्टीप्लिकेशन रीचेक करना चाहिए। 07 जा 0, 01 जा 0, इधर क्रॉस, 27 जा 14, 4 लिखा, 1 कैरी, 21 जा 2, प्लस 1 3, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ऐसे हमेशा हमेशा चेक करना चाहिए, तो हमारी मिस्टेक इम्प्रूव हो जाएगी और हमारा सम जो है रॉन्ग होते होते राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 4 प्लस 0 4 और 3 प्लस 0 3, ऐसे यू विल गेट 340। तो हमें आंसर आ रहा है 340 लीटर्स, ऐसे। तो बहुत इजी और सिंपल है, 17 अपॉन 28 पार्ट ऑफ वाटर पानी टैंक में बचा हुआ है, तो 17 अपॉन 28 पार्ट कितना होता है 560 लीटर्स में से, तो वो हमें 17 अपॉन 28 पार्ट ऑफ 560 लीटर्स निकालना है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 340 लीटर्स। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमें मिल गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन अ टैंक। तो देयरफॉर वाटर फाइनल आंसर, वाटर लेफ्ट इन टैंक इज इक्वल टू 340 लीटर्स। टिपिकल क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स मार्क भी दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन टिपिकल है, लेंथी क्वेश्चन है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, सम्स नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो का एटलीस्ट 2-3 टाइम्स अगर हम रिवर्स जाकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। दिस प्रैक्टिस सेट हैज बीन कंप्लीटेड। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक